बताया गया कि अगर जहाँ भी मौका मिलता है हम मौके को नहीं छोड़ेंगे, चाहे एजुकेशन का है। आज बच्चे टॉपर कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, 100 में से 99% को ला रहे हैं और 100% ला रहे हैं। माँ बाप पूर्ण रूप से बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। आज हमारे बीच में एक युवा साथी हैं विनय जाटव जी, आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं। आज का जो प्रोग्राम है, जहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहाँ युवाओं का भी बड़े पैमाने पर एक सहयोग होता है, उस सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। विनय जाटव जी, आज इस जो प्रोग्राम किया गया है, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? जी, सभी को पहले तो जय भीम। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, जो हमारे समाज में जो बच्चे अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं या नशे की लत पे हैं या कुछ भी नहीं कर पा रहे, मतलब फ्री रहते हैं घर पे और लड़ाई झगड़े लाते हैं, हम इस तरह से हमने एक किया था कि हमारे समाज का बच्चा हमारे समाज के बच्चों को देख के ज़्यादा पढ़ाए और मैं चाहता हूँ वो भी अच्छे नंबर लाए और अगली बार उसको भी सम्मानित करेंगे। विनय जाटव जी, देखा जी। गया है कि कुछ लोग जो अधिकारी बन जाते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते हैं लेकिन उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो किसी दारू में किसी अन्य एवों में हो जाते हैं लेकिन कोशिश करते हैं पढ़ें, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पैसा अगर दूसरे पड़ोसी के बच्चे को लगाते हैं, अपने भाई के बच्चे को लगाते हैं, अगर वो पढ़ेगा कामयाब होगा तो उससे भी तो नाम होगा। जी, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी, हमारी एक संस्था है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गेजा गाँव से, हमने काफ़ी ऐसे बच्चे अपने यहाँ पे देखा कि वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते थे तो वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है। ये सब मनवादी सरकारों की एक ऐसी रणनीति है कि हमारा बच्चा अगर वहाँ पढ़ रहा है तो उसको बेकार कर देने का मतलब इनका षड्यंत्र है। और हमने उन बच्चों को अपने पैसों से प्राइवेट में शिक्षा दिलवाने का काम किया और उनको ट्यूशन भी लगवाने का काम किया। हमारी संस्था ये काम भी करती है और मैं इनसे जुड़ा हूँ। हम पिछले 10 साल से इस काम को कर पा रहे हैं और काफ़ी युवा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं और सभी को इसलिए सम्मानित करते हैं कि हमारे समाज के और भी बच्चे देख के पढ़ें और आगे बढ़ें। क्या आप लोग ये शहरों में काम कर रहे हैं या गांव देहात में भी काम कर रहे हैं? सर, मैं तो गांव देहात के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग शहर में आए तो उन गाँव देहात के लोगों का आपके साथ बहुत बड़ा योगदान है। सर, मैं तो गाँव से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मैं गाँव में ज़्यादा अपने महिलाओं की मीटिंग को और युवाओं की मीटिंग को, अपने बुजुर्गों की मीटिंग को इसलिए रखता हूँ कि बाबा साहब के मिशन को बचाना है। अगर बाबा साहब का मिशन हम नहीं बचा पाए तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि मनवादी ताकत वो करना चाह रही है लेकिन हमारे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे। लेकिन अब सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा युवाओं का, क्योंकि युवा ही इस देश को बदल पाएंगे। तो अभी जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, 2 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान जो किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं कहता हूँ हमारी महिलाएं उस दिन भूख हड़ताल पर रहेंगे और हम जिले पर रहेंगे। मतलब आप भूख हड़ताल कराना चाहते हैं? हमारी महिलाएं भूख हड़ताल करेंगी और हम जिले पे प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी को। किस तरीके से आप धरना प्रदर्शन करेंगे? धरना प्रदर्शन इसलिए करेंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आप SC ST एक्ट को हमारा कमज़ोर कर दिया गया और शांतिपूर्वक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, ना ही कोई दंगा फसाद करेंगे, सरकारी संपत्ति को कोई आग नहीं लगाएंगे, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमारे जो राष्ट्रपति बने हुए हैं जो दलित समाज से आते हैं, लेकिन उनके सिर पर जू नहीं रहेंगी कि दलित मतलब SC ST एक्ट को कमज़ोर कर दिया गया, बोलते नहीं है। जाटव जी, 134 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 545 विधायक, जिनमें से एक दलित महामहिम जी राष्ट्रपति जी हैं जी, लेकिन अभी तक इस एक्ट को लेके जब दलितों पर अत्याचार होते हैं वो नहीं बोल पाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन दिक्कत क्या है सर, अभी जो एक ऐसे था, कुछ नाम था, उन्होंने दलितों को कुत्ता कहा था, तो मैंने इस बात पे, एक BJP का लड़का था वो मेरे से बहुत बोल रहा था, मैंने उससे कहा कि भाई अगर उस जनरल VK सिंह ने कहा हमें कुत्ता कहा था, तो मैंने उससे कहा भाई ये जो दलित जो शब्द है और इसने जो दलितों को कुत्ता कहा, तो जो मंत्री सांसद जो संसद में बैठे हैं, जो अगर एक आवाज़ में बोल जाए तो सांसद फट जानी चाहिए, लेकिन वो लोग भी कुत्ते हैं उसके हिसाब से, तो वो कुत्ते क्यों नहीं भौंक रहे? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी मनवादी पार्टी में जाता है वो गुलाम हो जाता है उनका, वो भौंक नहीं सकते लेकिन हम कर सकते हैं। आगामी योजना क्या रहेंगी आपकी? आगामी योजना किससे कि ये धरने प्रदर्शन को लेके? धरना प्रदर्शन को ये रहेगा, जब तक देखो हमारी ये एक्ट को वहीं पे नहीं ला देंगे तब तक हम अपना शांतिपूर्वक चलाते रहेंगे आंदोलन। कम नहीं होगा, जिले में होगा, क्षेत्र में होगा, तहसील में होगा और पूरे देश में, तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, कि ये जो आइए सर, आप आइए।